हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री मेट्स पर एक बार फिर से हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। मेट्स मतलब होता है दोस्त, और हम हैं तुम्हारे दोस्त अमित गुप्ता। एटम एटम के स्ट्रक्चर पर हम लोगों की बातें चल रही है। पिछले कुछ क्लासेस में हम लोगों ने बोर मॉडल को काफी अच्छे से देखा है, और इस क्लास से हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बोर मॉडल में हम लोगों ने देखा था कि जो बोर मॉडल है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम्स पर अप्लाई हो पाता है। ये बोर मॉडल की एक कमी है, अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए तो बोर मॉडल के कैलकुलेशंस काम नहीं करते। तो बोर मॉडल के कैलकुलेशन सिर्फ उन्हीं सिस्टम्स पर, उन्हीं एटम्स पर, उन्हीं आयंस पर काम करते हैं जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। इतना ही नहीं, बोर मॉडल्स में और भी प्रॉब्लम्स फील हुई। जैसे हम लोगों ने हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करी थी, तो इमिशन स्पेक्ट्रम की हम लोगों ने बात करी थी, तो स्पेक्ट्रम में हम लोगों को कुछ लाइनें मिलती है। जैसे हम लोगों ने क्या किया, एक फोटोग्राफिक प्लेट ले लिया। फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या किया, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम से जो निकलने वाली एनर्जी है, इस एनर्जी को इधर बीच में एक प्रिज्म लगा दिया हम लोगों ने। हाइड्रोजन से जो एनर्जी निकलेगी प्रिज्म के थ्रू जो है ये कई पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, डिपेंड करता है इसमें कैसे कैसे वेवलेंथ रहे होंगे, उसके बेसिस पर ये कई पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। और तुम देखोगे कि फोटोग्राफिक प्लेट पर एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ मिला, जो कि अलग अलग वेवलेंथ को दिखाता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन का जो एटम है उसका इमिशन स्पेक्ट्रम बनाया। बाद में क्या किया कि अब जो है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। एक बार मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, मतलब हाइड्रोजन के आसपास एक शक्तिशाली पावरफुल मैग्नेट रख दो। तो अब देखने को मिल रहा है कि ये जो एक लाइन सिंगल दिखाई पड़ रही है, ये कई सारे छोटे 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 पास पास छोटे छोटे लाइन्स में टूट जाता है। तो जो लाइन अभी सिंगल दिखाई पड़ रहा है ये फैल जाएगा, ये थोड़ा सा छोटे छोटे कई सारे लाइंस में टूट जाएगा। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये लाइंस जो है छोटे छोटे लाइंस में टूट जा रहा है। तो बोर मॉडल की मदद से इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। स्पेक्ट्रम में जो लाइंस होती है ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यों टूट करके छोटी छोटी लाइंस बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड में जब ये लाइंस टूटती है तो इसको हम लोग जीमान इफेक्ट कहते हैं, जीमान इफेक्ट, जिस बंदे ने इसको खोजा था उसके बेसिस पर जीमान इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये लाइंस टूटती हैं तो इसे स्टार्क इफेक्ट, जिस बंदे ने फिर से खोजा उसके नाम के ऊपर स्टार्क इफेक्ट कह दिया। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइंस अकेले अकेले दिखाई पड़ रही हैं, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिकॉर्ड करने पर ये लाइन जो है फैल जाएगी, कई छोटे छोटे महीन महीन लाइनों में टूट जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, बोर मॉडल में इसका एक्सप्लेनेशन अपने को नहीं मिला। बोर मॉडल के फॉर्मूले सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम पर काम कर रहे हैं। तो इन सब वजहों से बोर मॉडल के आगे और भी सोचने की जरूरत पड़ी, और भी सोचा गया, और भी खोजा गया, और भी रिसर्च हुआ। तो एटम के क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को बनाया गया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो हम लोग अब जो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस मॉडल को जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी समझना होगा। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, या फिर तुम कह सकते हो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। हम लोगों ने अभी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ा था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमने वहां पर पढ़ा था कि अगर मेरे पास कोई जैसे एक बल्ब है, तो बल्ब से जो रोशनी निकल रही है वो रोशनी ऐसे कंटिन्यूअस नहीं निकलती है, बल्कि क्या छोटे 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 पैकेट्स में निकलती है, मतलब वेव के छोटे छोटे पैकेट्स हैं। ठीक, वेव के छोटे छोटे पैकेट्स हैं जिनको हमने कहा था किसी एक पैकेट को पकड़ ले तो हम लोग नाम देते हैं क्वांटम या फोटोन कहते हैं। तो इस पैकेट को एक पार्टिकल की तरह से ट्रीट करो, इस पैकेट को एक पार्टिकल की तरह से ट्रीट करो। तो हम लोग कह सकते हैं
कि जो रेडिएशन है उसमें पार्टिकल का नेचर भी है, जैसे पार्टिकल्स को हम काउंट कर सकते हैं, एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल, 10 पार्टिकल, 500 पार्टिकल्स, वैसे रेडिएशन में जो क्वांटम या फोटोन है इसको भी काउंट कर सकते हैं कि इतने सारे फोटॉन्स या इतने सारे क्वांटा। तो जो रेडिएशन है इसमें दो तरह का नेचर है, एक तो ये वेव की तरह से चल रहा है और दूसरा ये छोटे छोटे पैकेट्स या छोटे छोटे पार्टिकल की तरह से चल रहा है। तो रेडिएशन में दो तरह का नेचर है, वेव का भी नेचर है और पार्टिकल का भी नेचर। तो इसको रिवर्स कर दो, अगर रेडिएशन में पार्टिकल का नेचर हो सकता है तो पार्टिकल में रेडिएशन का नेचर हो सकता है। अगर रेडिएशन में लाइट जो है वो रेडिएशन है बेसिकली, तो रेडिएशन में अगर पार्टिकल का नेचर शामिल हो सकता है तो पार्टिकल्स में भी जो है रेडिएशन का नेचर या वेव का नेचर शामिल हो सकता है। और बस यहीं से बात उठती है डुअल नेचर, दो तरह का नेचर, कि जो मैटर होता है उसमें दो तरह का नेचर होता है। जैसे अगर हम कोई पत्थर फेंके, मान लो एक पत्थर कोई ऊपर से नीचे गिर रहा है या नीचे जमीन है, बहुत ऊंचाई से पत्थर नीचे की तरफ गिरता चला आ रहा है, तो हमको देखने में क्या दिखाई पड़ता है कि पत्थर सीधा चलता चला 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 आ रहा है, लेकिन मे बी कि ये पत्थर जो ऐसे वेव की तरह से चलता चला आ रहा हो और ये वाइब्रेशन इतना हल्का हो रहा हो, जो वाइब्रेशन हो रहा है इतना हल्का वाइब्रेशन हो कि मेरे को समझ में ना आ रहा हो और मेरे को ये दिखाई पड़ रहा है कि पत्थर सीधा नीचे गिर रहा है। मतलब ये जो पत्थर का टुकड़ा गिर रहा है, जो चल रहा है, इसमें पार्टिकल का नेचर तो है ही, लेकिन इसके साथ वेव नेचर का भी एसोसिएशन हो गया। और इस बात को पहली बार कहने वाला जो बंदा था डी ब्रूगली, इन्होंने जो है पहली बार इस चीज को समझा कि रेडिएशन और पार्टिकल इनको इस तरह से सेपरेट नहीं किया जा सकता, रेडिएशन में पार्टिकल का नेचर होता है और पार्टिकल्स में भी रेडिएशन का नेचर होता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी मूविंग पार्टिकल है, एनी मूविंग पार्टिकल हैज वेव नेचर ऑल्सो हैज वेव नेचर, कि जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं उसमें वेव नेचर भी होता है। मतलब जो पत्थर का टुकड़ा गिर रहा है वो ऐसा सीधा चलता चलता गिर रहा है, कोई जरूरी नहीं है, मे बी इसके साथ एक जो है वेव भी एसोसिएटेड हो, वो वेव की तरह से इस तरह से गिर रहा हो। हालांकि ये कॉन्सेप्ट तुमको समझाने के लिए हमको ऐसी ऐसी बातें कहनी पड़ रही है, सही कॉन्सेप्ट बड़ा ही टेढ़ा है, तो सही कॉन्सेप्ट को दोबारे तक पहुंचाने के लिए कभी कभी हम लोगों को थोड़ा गलत रास्ते भी चुनने पड़ते हैं। तो रास्ता गलत होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको सही रास्ते पर ले जाने के लिए कभी कभी चीजों को एग्जैक्टली वैसे नहीं कहना पड़ता है या एग्जैक्टली वैसे नहीं कहा जा सकता है जैसी वो होती है। हम लोगों को थोड़ा जो उसके अराउंड कुछ स्टोरी वगैरह पुटअप करना पड़ता है सो देट तुम बात को समझ सको। तो यहाँ पर वही स्टोरी हम पुटअप कर रहे हैं कि पत्थर का टुकड़ा सीधा गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो पत्थर का टुकड़ा जो है वेव की तरह से मोशन करता हुआ गिर रहा है और इसका वेवलेंथ या वेव नेचर इतना कमजोर है कि मेरे को समझ में नहीं आता। जैसे होता है ना कभी कभी साइकिल चलाओ तो साइकिल का पहिया जो है पीछे से ढीला हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा हिलता रहता है, वाइब्रेट भी करता रहता है। जब थोड़ा थोड़ा हिलता रहता है तो तुम्हें पता ही नहीं चलता, तुम्हें लग रहा है कि नहीं तुम्हारी साइकिल सीधी चल रही है, पहिया भी उसके साथ सीधा चल रहा है। हिलते डुलते जो पहिया जो है, अब साइकिल आगे जा रही है और पहिया जो ऐसे ऐसे जोर जोर से हिलने लगा, तो अब तुम्हें सीट पर बैठे बैठे फील होगा कि हम भी साइकिल के साथ ऐसे ऐसे हिलते डुलते जो है आगे बढ़ रहे। तुम ले जाते हो मिस्त्री के यहाँ कि भाई इसकी साइकिल के पहिये को सही कर दो नहीं तो ये टूट जाएगा और हम गिर जाएंगे। तो कुछ वैसा ही कि जब ये वाइब्रेशन बहुत हल्का रहेगा, बहुत थोड़ा रहेगा, तो तुम्हें कुछ फील नहीं होगा कि पत्थर का टुकड़ा जो है ऊपर से गिरते समय उसमें वेव नेचर भी एसोसिएट हो गया। लेकिन डी ब्रूगली का कहना है कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है उसके साथ वेव नेचर एसोसिएट हो जाता है, और वेव नेचर एसोसिएट हो जाता है तो उसका वेवलेंथ होगा। वेवलेंथ को लैम्डा से दिखा दो, वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एच अपॉन पी, पी जो है मोमेंटम, पी को बोलोगे मोमेंटम। तो यहां पर ये जो वेव बन रही है इस वेव का वेवलेंथ निकालना हो तो एच अपॉन पी, एच जो है प्लांक्स कांस्टेंट। तो प्लांक्स कांस्टेंट और मोमेंटम को की मदद से हम लोग लैम्डा को कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर मोमेंटम जो है मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी। इस फॉर्मूले से जो है अगर मेरे को पत्थर के टुकड़े का मास पता हो, पत्थर के टुकड़े की वेलोसिटी पता हो, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसका वेवलेंथ कितना होगा। इससे बड़ी आसानी से प्रूव भी किया जा सकता है। हम लोग जानते हैं जो फोटॉन्स होते हैं वो वेव की तरह से चल रहे हैं और उनकी एनर्जी क्या है, ई इज इक्वल टू
एच सी बाई लैम्डा होती है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर कोई पार्टिकल है जिसके पास मास एम है तो उसकी एनर्जी जो है अगर उस मास को पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए, ध्यान देना मास को पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट करने की बात करें, जैसे तुम लकड़ी का एक टुकड़ा, 1 ग्राम लकड़ी का टुकड़ा जला दो तो 1 ग्राम लकड़ी का टुकड़ा जब जलेगा तो 1 ग्राम प्रोडक्ट भी बनेंगे, जो राख वगैरह बनेगा, कुछ उसमें से धुआं निकलेगा, कुछ पानी के वेपर्स निकलेंगे, सब मिला करके बराबर 1 ग्राम होंगे ही होंगे। तो लकड़ी का टुकड़ा तुमने जलाया तो मास का कोई नुकसान नहीं हुआ, 1 ग्राम लकड़ी का टुकड़ा जलाया तो 1 ग्राम कूड़ा कचरा बन गया, लेकिन तुम्हें एनर्जी मिली। ये सिंपल केमिकल रिएक्शन है। इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, जब एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस से टकराएगा या एक न्यूक्लियस दो पार्ट में टूट जाएगा तो वहां पर मास जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। मास के डिस्ट्रॉय होने से एनर्जी बनती है जिसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दें तो एम सी स्क्वायर बराबर एच सी बाई लैम्डा, एक सी से एक सी कट जाएगा तो एम इंटू सी बराबर एच अपॉन लैम्डा, या फिर लैम्डा को हम इधर उठा लाए, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन m into c, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। m क्या हो गया? फोटोन का मास, फोटोन का रेस्ट मास बोलते हैं, या फोटोन का मास कह सकते हो। तो लैम्डा c m और h, ये रिलेशनशिप जो है यही वाला रिलेशनशिप है ना जो हम लोगों ने अभी भी यहाँ दोनों रिलेशनशिप को एक साथ देख लो। तो यहाँ पर m जो है अपने पत्थर के टुकड़े का मास हो गया, ये फोटोन का मास एक तरह से बोल सकते हो, ये v जो है पत्थर के टुकड़े की वेलोसिटी हो गई, और c जो है फोटोन या लाइट या रेडिएशन की वेलोसिटी हो गई। यहां पर तुम्हारे मन में एक प्रश्न हो सकता है, फोटोन में मास होता है क्या? ये सोचने वाला प्रश्न है ना, थोड़ा इसको और गहराई से सोचना। मेरे को भी इसके बारे में बहुत ज्यादा सही आइडिया नहीं, इसीलिए हम जो है इस पर ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। हमने एक जगह देखा था कि ये डेरिवेशन ऐसे किया जाता है और लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी टाइप का कुछ लाते हैं जिसको इससे जो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं कि ये दोनों देखने में एक ही जैसे लग रहे हैं। जो अगर ये फोटोन के लिए काम कर रहा है तो ये पत्थर के टुकड़े के लिए भी काम करता होगा। तो फिलहाल जो है इसमें फोटोन में एग्जैक्टली मास होता है कि नहीं मास होता है, हम इस पर कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। हम सीधे यहाँ आ रहे हैं कि पत्थर का टुकड़ा अगर गिर रहा है ऊपर से, या कोई भी चीज तुमने हवा में फेंकी वो चल रही है, उसमें भी स्पीड है, तो स्पीड होने की वजह से उसके अंदर जो है वेवलेंथ या वेव का नेचर प्रोड्यूस हो जाएगा, और वेव का नेचर प्रोड्यूस होगा तो डेफिनेटली उसका वेवलेंथ होगा। वेवलेंथ को हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसे मान लो मेरे पास एक बॉल है, जैसे क्रिकेट खेलने वाली बॉल है, मान लो वो 100 ग्राम की है, 100 ग्राम की बॉल है, और क्रिकेटर लोग क्या करते हैं, बॉल को फेंकते हैं तो कभी 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, या 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो चलो मान लिया कुछ वैसा ही स्पीड, ठीक, कह दिया बॉल जो है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इसको मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट कन्वर्ट कर दो, 120 को लिख देंगे किलोमीटर, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर हो जाएगा, और एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया, 1020 1020, 12 से ये कट जाएगा 3 बार में, और 12 से ये कट जाएगा 10 बार में, 10 × 10 100 मीटर डिवाइडेड बाय 3 सेकंड, तो इसको तुम डिवाइड कर लो तो 33.3 मीटर पर सेकंड। तो जो बॉल की स्पीड है, जो क्रिकेटर लोग बॉल फेंक रहे हैं, वो 33.3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल जा रही है। किसी ने थोड़ी और तेज बॉल फेंकी होगी तो कह दो 33 की जगह 43 हो जाएगा। चलो हम लोग एक आसान सा वैल्यू ले लेते हैं कि चलो ये बॉल जो फेंका गया है, बॉल है जिसका वजन 100 ग्राम है और इसको 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे फेंका गया है, इसका वेवलेंथ कितना होगा ये मेरे को कैलकुलेट करना है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच कितना होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट, 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड। ठीक, जूल सेकंड क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट है, SI यूनिट। मास 100 ग्राम है, हम 100 ग्राम को किलोग्राम में बदल दे तो 100/1000 केजी, 2020 कट जाएंगे, नीचे 10 है तो ऊपर जाकर 10⁻¹ केजी हो जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज लिख दो, 10⁻¹ केजी, और स्पीड जो है 50 मीटर पर सेकंड है। चलो हम इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं ना, हम इसको 100 मीटर पर सेकंड कर देते हैं। हालांकि इतनी तेज बॉल अभी तक कोई धरती पर फेंक नहीं पाया है, चलो मान लिया कोई बहुत ही पहलवान आदमी है, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल फेंक दिया, 100 मीटर मतलब 10⁻², तो
तो 10^2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल फेंका है। सारा यूनिट SI में रखा है, तो लैम्डा का जो वैल्यू है वो भी SI मतलब मीटर में आ जाएगा, ये मीटर में आ जाएगा। और ये सारे कैलकुलेशंस को हैंडल करो तो -1 से यहाँ एक पावर कट जाएगा और एक पावर बचा रहेगा, ऊपर जाके उसमें मिला दोगे तो 6.626 × 10^-35 मीटर जो वेवलेंथ आया वो 10^-35 मीटर। मतलब ये जो वेव बन रहा है, ये जो दूरी है यहां से यहां तक की, ये दूरी है 10^-35 मीटर। 10^-35 मीटर समझ लो कितना छोटा होगा, यू कांट इमेजिन, बहुत 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 छोटा है। इतना छोटा कि मतलब उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, इतनी छोटी चीज का कोई मतलब ही नहीं है। धरती का कोई भी माइक्रोस्कोप, जितने माइक्रोस्कोप्स लगे हैं सबको एक दूसरे के आगे पीछे भी जोड़ दे तब भी हमको लगता है ये दिखाई नहीं पड़ेगा। तो जितने माइक्रोस्कोप्स बने हुए उन सब माइक्रोस्कोप्स में इतनी ताकत नहीं है कि वो इस इतनी छोटी चीज को देख पाए। आंखों से देखना तो दूर है, कोई भी माइक्रोस्कोप इसको देख नहीं पाएगा, बहुत ज्यादा छोटा है ये। कितना छोटा है, 10^35, वो भी निगेटिव। मतलब जैसे तुम्हारे पास एक मीटर लंबी जो है कोई चीज है, कह दो एक मिठाई है जिसकी लंबाई 1 मीटर के बराबर, इसको तुम क्या करो 10 लोगों में बांटो, तो प्रत्येक बंदे को ये छोटे 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 टुकड़े मिल गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 लोगों में हमने बांट दिया। फिर इसमें से जिस एक बंदे को मिठाई मिली इसने क्या किया, अपनी मिठाई फिर से 10 लोगों में बांट दी, तो फिर से जो है 10 लोगों को और छोटे छोटे टुकड़े मिल गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। फिर इसमें से एक बंदे को जो मिठाई मिली उसने क्या किया, फिर से 10 लोगों में बांट दिया, और सभी लोगों को फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फिर से सबको थोड़ा थोड़ा मिठाई मिल गया। फिर इस बंदे को जो मिठाई मिली इसने उसको आगे फिर से 10 लोगों में बांट दिया, और ये 35 बार करना है। तो अभी देखो 3-4 बार में ये हालत ऐसी हो गई कि बड़ी मुश्किल से ये दिखाई पड़ रहा है, 1 मीटर लंबी मिठाई थी थोड़ी दिखाई पड़ रही थी, 10 लोगों में बांट दिया थोड़ा छोटा दिखने लगा, और 10 लोगों में बांट दिया और छोटा दिखने लगा, और 10 लोगों में बांट दिया मुश्किल से दिखाई पड़ रहा है। और अभी हमने कितनी बार किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार किया, 35 बार जरा इसको करो कि जो मिले फिर से 10 लोगों में बांटो, जो मिले फिर से उसे 10 लोगों में बांटो। तो जो अंतिम बंदे के पास पहुंचेगा वही है 10^-35। तुम समझ गए ना कि 10^-35 कितना छोटा, इतना छोटा है कि इसका कोई मतलब नहीं, उतनी मिठाई मिले कि न मिले कोई मतलब नहीं है, मिल जाए तब भी ठीक, न मिल जाए तब भी ठीक, उसके लिए हम परेशान नहीं होंगे, इनफैक्ट हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमको कुछ मिला भी, सामने वाला देकर भी चला जाएगा, हमारे खाते में लिख देगा कि तुमको मिठाई दी गई, बाद में कहोगे कि कहां मिठाई दी गई, तो कोई उसका मतलब नहीं है। तो इनसिग्निफिकेंट बोलते हैं इसको, इनसिग्निफिकेंट। अब यही कैलकुलेशन हम लोग सपोज किसी दूसरे चीज के लिए कर रहे हैं, मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, बॉल तो बहुत बड़ा है ना, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है वो वैसे ही 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागा जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो समथिंग 9.1 × 10^-31 किलोग्राम के बराबर होता है, पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे याद हो जाता है। तो इसको अगर 10 मान लिया जाए तो इसका एक पावर कट जाएगा, तो ये नियरली जो है 10^-34 किलोग्राम के बराबर है, -30 किलोग्राम के बराबर है ना, एक पावर से इसका एक पावर इससे एडजस्ट करा दिया, इसको 10 मान करके एक पावर कटा दिया तो -30 किलोग्राम। और इसका वेवलेंथ निकाले तो H/mv का फिर से इस्तेमाल करें, 6.626 × 10^-34, इलेक्ट्रॉन का मास हम किलोग्राम में सीधा सीधा रख रहे हैं, 10^-30 किलोग्राम, वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है, मतलब 10^2 मीटर पर सेकंड, और जब इसको सॉल्व करोगे ये सारा यूनिट वगैरह हटा देते हैं फाइनली मीटर आ जाएगा, क्योंकि अगर इसको SI में रखा है, इसको SI में रखा है, इसको SI में रखा है, सारे यूनिट्स स्टैंडर्ड रखे हैं, तो लैम्डा का यूनिट भी जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वही आ जाएगा, और लैम्डा मतलब दूरी, वेव ने कितनी दूरी चली, और दूरी का स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर, तो मीटर में आंसर आ जाएगा। ये 30 पावर से इसका 30 पावर कट जाएगा और 2 पावर उसी में जाकर ऐड हो जाएगा, तो 6.626 × 10^-6 मीटर। तो पिछली बार जो आंसर आया था, जो हमारा बॉल था
100 ग्राम का बॉल था और 10^-30 किलोग्राम का इलेक्ट्रॉन है, या फिर इसको भी हम ऐसे लिख दें, ये 10^-1 किलोग्राम का बॉल है और ये इलेक्ट्रॉन है। बॉल बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है। इसके लिए आंसर आया 6.626 × 10^-35 मीटर, और इसके लिए आंसर आया 6.626 × 10^-6 मीटर। तो यहां पर क्या है, 35 बार और यहां सिर्फ 6 बार मिठाई जो है यहां बांटनी थी, इसको हमने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार बांटा है, दो बार और 10-10 लोगों में बांटते चले जाए तो थोड़ा और छोटा हो जाएगा, लेकिन अभी भी इतना छोटा है कि अगर हम थोड़ा कोशिश करें माइक्रोस्कोप वगैरह लगा करके तो मिठाई दिख जाए कि हाँ मिठाई मिली है कि मिठाई नहीं मिली। तो ये 10^-6 छोटा है, लेकिन उतना छोटा नहीं कि बिल्कुल इग्नोर कर दे, हम माइक्रोस्कोप वगैरह लगा करके दिखेंगे तो अपने को दिख जाएगा, लेकिन 10^-35 इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि धरती का कोई माइक्रोस्कोप इसको देख नहीं सकता, सिर्फ हम कल्पनाओं में सोच सकते कि हाँ ऐसी भी कोई चीज हो सकती है। तो इट्स इनसिग्निफिकेंट एंड इट इज सिग्निफिकेंट। क्यों ये सिग्निफिकेंट हुआ, क्योंकि ये मास जो है बहुत छोटा है, माइनस 30 में खुद चल रहा है, जब हम लोगों ने कैलकुलेशन किया तो ये माइनस 30 ने इसके माइनस 30 को काट डाला। तो जब मास बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन का मास है, तो हमें सिग्निफिकेंट वैल्यू मिल रहा है। इसी चीज को मेरे को समझना है कि बड़े बड़े पार्टिकल्स के लिए जो वेवलेंथ का वैल्यू आएगा वो इनसिग्निफिकेंट है, और छोटे पार्टिकल्स मतलब कितने छोटे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, ऐसे छोटे पार्टिकल्स, तुम जो आंखों से छोटे वाली चीजें देख सकते हो वो भी काफी बड़ा माना जाएगा इस फॉर्मूले के लिए। जैसे तुम मिट्टी का छोटा से छोटा टुकड़ा जो तुम देख सकते हो, उठा सकते हो अपने हाथ से, या फिर समझ सकते हो कि हाँ यहाँ पर कुछ रखा हुआ है, वो भी इस फॉर्मूले के लिए, जो हमारा फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी, इस फॉर्मूले के लिए वो काफी बड़ा माना जाएगा। तो यहाँ छोटा मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक छोटा, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो उन केसेज में लैम्डा का वैल्यू, उन केसेज में लैम्डा का वैल्यू सिग्निफिकेंट हो जाता है, और जिन चीजों को हम हाथ से छू पा रहे हैं या आंखों से देख पा रहे हैं वो काफी बड़े माने जाएंगे, और उनके लिए लैम्डा का वैल्यू इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। तो छोटी छोटी चीजों के लिए इसका मतलब है, बड़ी बड़ी चीजों के लिए इसका मतलब नहीं है। इसीलिए पत्थर का टुकड़ा जब ऊपर से नीचे गिर भी रहा है तो उसमें थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन भी हो रहा है, तुम्हें कभी समझ में ही नहीं आएगा, बस केवल कॉन्सेप्ट में ही रह जाएगा। इसको प्रूफ करने के लिए, पत्थर के टुकड़े पर स्पेशली प्रूफ करने के लिए कोई ऐसी मशीन अभी तक हम नहीं बना पाए। हाँ, इलेक्ट्रॉन पर प्रूफ करने के लिए हमने मशीनें बना ली, हम मशीनों की मदद से, इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से इलेक्ट्रॉन पर ये चीज प्रूफ कर सकते, लेकिन पत्थर के टुकड़े पर ये इतना कम होता है कि इसे किसी मशीन से अभी तक नापा, तौला या प्रूफ किया नहीं जा सका। इलेक्ट्रॉन पर हम प्रूफ कर सकते कि हाँ इलेक्ट्रॉन में जो है दो तरह का नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन में वेव का भी नेचर होता है, दोनों चीजें हम इलेक्ट्रॉन के लिए प्रूफ कर सकते हैं। तो अब इस दो तरह के नेचर के हो जाने की वजह से दूसरी दूसरी चीजें आने लगती हैं, और उन दूसरी दूसरी चीजों को हम लोग को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में शामिल करना पड़ता है। तो फिलहाल हम लोग अगर प्रूव करना चाहें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल भी है और इलेक्ट्रॉन जो है वेव भी है, इलेक्ट्रॉन जो है एक तरफ तो ये पार्टिकल है, मेरे को ये प्रूव करना है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वेव है, मेरे को ये प्रूव करना है, तो हम कैसे प्रूव करें? तो याद करो, हम लोगों ने जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था तो वहां पर हमने कहा था ना कि जो इलेक्ट्रॉन चलता है, इलेक्ट्रॉन की जो बीम चलती है उसके रास्ते में अगर हम एक हल्का सा पहिया रख देते हैं जिसमें पिंस लगे हो, तो ये इलेक्ट्रॉन बीम आकर के पहिए पर टकराएगा और पहिया जो है घूमने लगता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन में मास है, तभी ये पहिया जो है इस तरह से घूम पा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, वो ऐसे आसानी से कैथोड रेज के बीच में कुछ हल्का फुल्का चीज रख दो तो वो कैथोड रेज क्या करते हैं, उस हल्के फुल्के चीज को अपनी जगह से धक्का देकर के हिला डुला सकती है या घुमा फिरा सकती है, जिससे प्रूव होता है कि कैथोड रेज में जो इलेक्ट्रॉन है उनमें मास होता है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल है वो आसानी से प्रूव कर दिया। इलेक्ट्रॉन वेव है, इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो वेव का कोई नेचर होता हो, वेव का कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती हो जिसकी मदद से प्रूव कर सके। तो वेव का एक प्रॉपर्टी होता है इंटरफेरेंस, जैसे दो मोबाइल जो हो
पास पास रख दो और एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर तुम फोन डायल करो, तो मोबाइल्स को पास पास रख दो और दोनों से एक दूसरे पर फोन डायल करो, तो दोनों की जो आवाज मिलती है एक अजीब सा आवाज प्रोड्यूस होता है, बहुत उसमें इको टाइप का तुम्हें फील होता है। ये इंटरफेरेंस है, दो वेव्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती है तो एक नई वेव बना लेती है। आवाज भी एक तरह का वेव है, साउंड जो एक तरह का वेव है, जब दो तरह की साउंड एक दूसरे के साथ मिल जाए और स्पेशली इस तरह से मिल जाए कि दोनों के फ्रीक्वेंसी, दोनों का वेवलेंथ बिल्कुल पास पास रहे, दोनों में बहुत अंतर ना हो। अंतर होगा तो उस तरह का चीज नहीं देखने को मिलेगा, अंतर बिल्कुल भी ना हो। इसीलिए हमने कहा ना कि दो फोन को बगल बगल में रख दो, अब इधर से तुम बोलो दूसरे वाले फोन में से आवाज निकल करके आ रही है, तो इधर भी तुम्हारी आवाज उधर भी तुम्हारी आवाज, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस यही अंतर हो सकता है कि एक जोर से बोल रहे हो दूसरा धीरे से बोल रहे हो, लेकिन आवाज की क्वालिटी में कोई अंतर नहीं। तो दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच कर गई, दोनों का वेवलेंथ मैच कर गया और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अजीब तरीके से मिक्स हो जाती है, मिक्स होकर के नए वेव को बनाती है और वो नया वाला वेव तुमको अच्छे से सुनाई नहीं पड़ेगा। इसीलिए जब दो फोन बगल बगल में रख करके एक ही फोन से दूसरे फोन पर, मतलब एक फोन से दूसरे फोन पर तुम ही बात कर रहे हो और दोनों फोन की आवाज सुनने की कोशिश करो तो आवाज जो है अजीब सी गूंजने लगती है, वो इंटरफेरेंस का एक एग्जांपल हुआ, इंटरफेरेंस का एक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल डिफ्रैक्शन, मतलब दूसरा इवेंट डिफ्रैक्शन, जो वेव्स होती है उनमें डिफ्रैक्शन होता है। डिफ्रैक्शन क्या है, जैसे हम लोग एक ऐसा पेपर का छोटा सा टुकड़ा ले, इसमें हमने कुछ छोटे छोटे होल्स बनाए हैं, पता नहीं तुम्हें दिखेगा कि नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा होगा, हमने छोटे छोटे होल्स बनाए। अब जैसे वहां पर ट्यूबलाइट जल रही है तो हम बिल्कुल एक आंख बंद कर ले और अपनी दूसरी आंख के सामने जो इसको ऐसे ला करके देखे ट्यूबलाइट को, तो ये छोटे छोटे होल्स है काफी बड़े बड़े मेरे को समझ में आते हैं कि हाँ इतना बड़ा होल है जो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, हालांकि होल बहुत छोटा है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जब लाइट इधर होल पर से आकर के मेरी आंख पर आकर के टकरा रहा है, उधर से लाइट आया आकर के मेरी आंख पर टकराया, तो किनारों पर टकराने के बाद लाइट जो है बाहर की तरफ मुड़ जाती है। तो अभी ये छोटा सा होल है, छोटा सा होल है, लाइट यहां से आया आकर के ऐसे मुड़ गया, आकर के ऐसे मुड़ गया, तो अब ये होल जो है मेरे को बड़ा सा दिखाई पड़ेगा, इधर मेरी आंख है तो मेरे को जो है ये लाइट दिखाई पड़ेगी, तो मेरे को लाइट ये जो होल छोटा सा था ये होल बड़ा सा दिखाई पड़ने लगता है। तो लाइट किनारों पर टकरा करके या किसी चीज से टकरा करके इस वे में मुड़ती है, इसी को हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन जो है ये दोनों चीजें दिखाता है, डिफ्रैक्शन भी दिखाता है इंटरफेरेंस भी दिखाता है, ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन बीम जो है डिफ्रैक्शन भी दिखाता है, अगर इलेक्ट्रॉन के बीम ऐसे आगे बढ़ रही है और इस पर मैं एक्सपेरिमेंट करे तो ये डिफ्रैक्शन भी दिखाता है और इंटरफेरेंस भी दिखाता है, जिससे ये प्रूव होता है कि इलेक्ट्रॉन में जो है दो तरह का नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर होता है। फिर वेव नेचर को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट डेविसन एंड जर्मर इन दोनों ने अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और एक्सपेरिमेंट के जरिए इलेक्ट्रॉन के लिए ये वेवलेंथ का कैलकुलेशन किया और देखा कि ये वेवलेंथ जो है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एमवी, ये वेवलेंथ और ये वेवलेंथ जो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से वेवलेंथ निकाला और जो इस फॉर्मूले से वेवलेंथ निकाला, देखा दोनों मैच कर रहे हैं, इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है सही है। तो हम पत्थर के टुकड़े पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें बहुत इनसिग्निफिकेंट चीजें हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन वगैरह पर, छोटे छोटे पार्टिकल्स पर एक्सपेरिमेंट भी किया जा सकता है। तो डेविसन जर्मर ने इलेक्ट्रॉन बीम पर एक्सपेरिमेंट किया और उसका वेवलेंथ ये मान करके चला कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसमें वेव का नेचर होगा, और वेवलेंथ कैलकुलेट करने की कोशिश करी और कैलकुलेट कर डाला और फिर इस फॉर्मूले पर से भी वेवलेंथ निकाला और देखा कि दोनों मैच कर जा रहे हैं, और मैच कर जाने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है उसमें वेव नेचर होता होगा। ये एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली क्या होता है इसको हम लोग इस क्लास में नहीं शामिल करते हैं, इस क्लास में इसका नाम जान लेते हैं कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट है जिससे इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर हम प्रूव कर सकते हैं। पार्टिकल नेचर तो इधर कैथोड रे वाला एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया कि कैथोड रे जा रही है, कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन है, ये हल्के फुल्के पहिए को घुमा सकती है, मतलब इसमें मास है, मतलब ये पार्टिकल है। और डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से हम इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को प्रूव करने के लिए उसका वेवलेंथ कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले से जो वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं दोनों को मैच करेंगे, और मैच करके हम लोग आसानी से देखेंगे कि दोनों बराबर बराबर आ रहा है या दोनों काफी क्लोज आ रहे हैं, जैसे ये प्रूव होता है कि हाँ इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर भी है। तो इस क्लास में हम लोग यहीं पर रुकेंगे। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल शुरू करने में सबसे पहले हमको इसी चीज को समझना होता है कि चीजों में दो तरह के नेचर भी होते हैं, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। फिर इसकी वजह से क्या क्या खिचड़ी पकेगी वो हम लोग आने वाले क्लासेज में देखेंगे।
इस क्लास में ही पर रोकते हैं, अगले क्लास में भी मिलेंगे। तो पहले ये डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है, इस एक्सपेरिमेंट पर थोड़ी बातें करेंगे, फिर उसके बाद जब हमारी मुलाकात होगी तो द रियल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या होता है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। ये सारी चीजें जो हम बोर्ड पर लिखते हैं, हम बार बार कहते हैं कि तुम इसको जो है हम पीडीएफ में कन्वर्ट करके नीचे लिंक डाल देते हैं, तुम वहां से डाउनलोड करके दोबारा तुम देख सकते हो कि तुमने क्या क्या पढ़ा है। पूरा वीडियो तो तुम दोबारा देख ही सकते हो, लेकिन जस्ट तुम पीडीएफ फॉर्म में देखना चाहो कि हमने क्या क्या पढ़ा है, तो जैसा यहाँ दिख रहा है ठीक वैसा ही तुम पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हो कि क्या क्या चीजें बोर्ड पर हम लोगों ने डिस्कस करी थी। तो उसको तुम डाउनलोड कर लेना नीचे वाले लिंक से। फिर मिलेंगे हम दूसरे क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।